Hello everyone, welcome to the channel tutor box. In today's class, we are going to discuss about menstrual cycle. In earlier class, we already discussed about the female reproductive cycle and ovulation we already discussed. Now we are discussing the menstrual cycle. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट आर द वेरियस स्टेप्स इन होल लाइफ स्पान ऑफ फीमेल सो अगर हम फीमेल की लाइफ स्पान को बांटें अगर फीमेल की पूरे लाइफ स्पान को बांटें तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं देखिए फीमेल का लाइफ स्पान कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है अगर हम फीमेल को हम यहाँ पर लेते हैं ओके okay, सो so फीमेल का जो लाइफ स्पान है फर्स्ट जो है प्री प्यूबर्टी हो गया सेकेंड प्यूबर्टी टू मैनोपोज एंड द थर्ड वन इज पोस्ट मैनोपोज देखिए प्री प्यूबर्टी को क्या कहेंगे जीरो डे या हम कह सकते हैं कि डे वन से लेकर जो ट्वेल्व टू थर्टीन ईयर तक की जो लाइफ स्पान है वो किस में आ जाएगा प्री प्यूबर्टी में आ जाएगा एंड देन प्यूबर्टी टू तो मेनोपॉज कितना हो जाएगा इट इज़ फ्रॉम थर्टीन ईयर से लेकर आप फिफ्टी फाइव ईयर तक आप कंसिडर कर लीजिए अब ये फ्लक्चुएटिंग होता रहता है

ट्वेंटी एट डेज का जो साइकिल है इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं मैंट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसी साइकिल को क्या बोलते हैं मैंट्रोअल साइकिल पर्टिकुलरली मैंट्रुअल साइकिल में होता क्या है पर मैंट्रुअल साइकिल में क्या होता है यहां पर देर आर समेरी एज वेल एज इन दूट्रस सो क्या किस में चेंजेस हो रहा है ओवेरी में चेंजेस हो रहा है देर इज द चेंजेस इन द ओवेरी एज वेल एज चेंजेस इन द यूट्रस इन ओवेरी इन यूटरस इन दीज देर आर हार्मोनल चेंजेस एज वेल एज चेंजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोन देर आर सम क्यों हो रहे हैं जस्ट बिकॉज फीमेल को क्या गेन करना है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी गेन करनी है अगर फर्टिलाइजेशन और प्रेग्नेंसी गेन नहीं होगा दैन क्या होगा देयर इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना तो क्या हो रहा है एट द रिदमिक साइकिल जो फीमेल का जो मैंट्रोअल साइकिल है उसमें रिदमिक रिदमिकली जो एक्टिविटी हो रही है एंड इन दिस रिदमिकली एक्टिविटी इनिशियल फर्स्ट फोर डेज वन वन टू फोर डेज और वी कैन से सम इन सम वुमेन देयर आर फाइव डेज देयर इज ए ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना तो यहां पर क्या हो रहा है वेजाइना से क्या हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है ओके okay, तो यहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो इस पर्टिकुलर इस जोन को दिस वन टू फोर डेज जोन इज नोन मेंस्ट्रुअल फेज इस फेज को क्या बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे तो इतना पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फीमेल का जो लाइफ स्पान है उसको प्री प्यूबर्टी प्यूबर्टी टू मैनोपोज और पोस्ट मैनोपोज में हम डिवाइड कर रहे हैं अगर हम फीमेल का जो एक पर्टिकुलर साइकिल जो मानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा जो साइकिल है वो कितने डेज का है 28 डेज का है और ये 28 डेज का साइकिल क्यों होता है पर्टिकुलरली इस 28 डेज की साइकिल में होता क्या है यहाँ पर ओवरी और यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस होने की वजह से हार्मोनल हार्मोन्स की वजह से चेंजेस होते हैं एंड इनिशियल फर्स्ट फोर डेज जो है दीज डेज आर नॉन एज अ मेंस्ट्रुअल फेज इस फेज को हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज देन सेकेंड फेज इज पोस्ट मैंसुअल फेज एंड द थर्ड फेज़ इज सीक्रेटरी फेज यहां पर अगर हम डेज काउंट करें तो मेंस्ट्रुअल फेज के जो डेज है वन टू फोर और फाइव डेज हम बोल सकते हैं तो यहां पर जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज है वो कितने दिन का है सिक्स डेज से लेकर एटीन डेज तक का है ओके एंड सीक्रेटरी फेज हमारा क्या हो गया एटीनथ टू ट्वेंटी एट डेज तक का है क्लियर अगर हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज को देखें तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्री ओवलेट्री फेज एंड सेकेंड ओविट्री फेज तो यहां पर आप समझ लीजिए क्या है मैंसुअल साइकिल के तीन फेजेस हमने बता दिए फर्स्ट वन फेज सेकेंड इज पोस्ट फेज थर्ड वन इज सिक्रेटरी फेज फर्स्ट फेज कितने दिन का है जब वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है एक से चार और पांच दिन का है सेकेंड पोस्ट फेज इस फेज में कितने दिन है ऑलमोस्ट फोर्टीन डेज हमारे लग रहे हैं इसमें कितने दिन लग रहे हैं फोर्टीन डेज काउंट कर लीजिए आप यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ डे के बाद में फोर्टीन डेज इसमें काउंट कर लीजिए और सीक्रेटरी फेज जो लास्ट फेज है उसमें कितने दिन काउंट कर लीजिए टेन डेज आप इसमें काउंट कर लीजिए ओके अगर हम पोस्ट मैंसुअल फेज को डिवाइड करें तो ये प्री ओविलेट्री फेज और ओविलेट्री फेज में डिवाइडेड है तो आइए हम सबसे पहला जो इसका फेज है मैं साइकिल का वो फर्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं समझना कि मैं फेज है क्या अब यहां पर मैं मैं फेज को समझाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को यूट्रस जो है हमारा दिस इज अवर यूट्रस इस यूट्रस की थोड़ी सी एनाटॉमी में आप लोगों को बता देता हूँ जैसे कि ये जो हमारा आउटर मोस्ट पोर्शन था ये क्या है पेरीमेट्रियम ओके और जो मिडिल पोर्शन है ये क्या है मायोमेट्रियम दिस पोर्शन इज नॉन एज मायोमेट्रियम और जो इनर मोस्ट पोर्शन है दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज नॉन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के दो पोर्शन है एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इन टू पोर्शन एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड टू पोर्शन द फर्स्ट इनर मोस्ट पोर्शन यहाँ पर आप देखिए दिस पोर्शन दिस पोर्शन जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है दिस पोर्शन इज नॉन एज स्ट्रेटम बेसिलेस इनर मोस्ट पोर्शन है दिस पोर्शन इज नॉन एज ए स्ट्रेटम बेसैलिस और यहाँ पर ये देखिए ब्लू लाइन से लेके जो स्पाइरल लाइन्स है वो वाला जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज नॉन एज ए स्ट्रेटम फंक्शनलिस दिस पोर्शन इज नॉन एज ए स्ट्रेटम फंक्शनलिस Osionfish. अब यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेटम बेसिलस में जो होता है यहाँ पर ये किसके बने हुए हैं बेसिकली ये एंड्रोमेट्रियम किसकी बनी हुई है कॉल्यूमनर एपीथीलियम की बनी हुई है और स्ट्रेटम बेसिल में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें बेसिकली जो मिल रहा है वो स्ट्रेट स्ट्रेट यहाँ पर आप देखिए ये जो है स्ट्रेट आर्टरीज मिल रही है तो यहां पर जो आर्टरीज मिल रही हैं वो कैसी मिल रही हैं स्ट्रेट आर्टरी मिल रही हैं और स्टेटम फंक्शन एलिस्ट में देख लीजिए दिस पोर्शन यहाँ पर देखिए ये स्पायरली कॉइल्ड आर्टरीज मिल रही है फंक्शन एलिस्ट में कैसी आर्टरी मिल रही है स्पायरली और वी कैन से कॉइल्ड आर्टरीज मिल रही हैं यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए मॉडल बनाया है इस मॉडल में आप देखिए ये हमारा एंडोमेट्रियम ये हमारा यूट्रस कंप्लीट हो गया इस यूट्रस में आप देख लीजिए ये जो पिंक कलर से मैंने शो किया है ये यूट आर्टरीज हैं और यूट्रेन आर्टरीज जो हैं फर्दर उसकी दो अलग अलग ब्रांचेज हो रही हैं तो इनिशियल जो स्मॉल ब्रांच है ये जो स्मॉल ब्रांच है ये हमारी स्टेटम बेसिलस की स्ट्रेट आर्टरी हो गई और जो ऑरेंज कलर में मैंने आर्टरीज बनाई है दीज आर इस्पायरल आर्टरी दीज आर वॉट स्पायरल आर्टरी सो ये जो पूरा पोर्शन है ये एंडोमेट्रियम का पोर्शन हो गया जहाँ जहाँ तक स्पायरल आर्टरीज आ रही हैं ओके okay. तो यहाँ पर जो दोनों आर्टरीज आ रही है स्पायरली कॉइल्ड आर्टरी और स्ट्रेट आर्टरी ये दोनों ही आर्टरी जो है यूटेराइन आर्टरीज की पार्ट है और यूटेराइन आर्टरी किसका ब्रांच है ईलियक आर्टरी का ब्रांच है तो अब देखिए जो फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है शेडिंग हो रही है इसमें क्या हो रहा है शेडिंग हो रही है शेडिंग का मतलब स्लॉट ऑफ हो रहा है ओके okay. स्लॉट ऑफ हो रहा है किसका स्लॉट ऑफ किसका हो रहा है यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स है उनका स्लॉट ऑफ हो रहा है तो जो मैंस्ट्रुअल फेज है देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंसुरुअल फेज में हो क्या रहा है द फर्स्ट वन इज मैंस्ट्रुअल फेज मैंस्ट्रोअल फेज में हो क्या रहा है बेसिकली मैं फेज इनिशियल फर्स्ट फोर डेज का फेज है तो इस फेज में क्या हो रहा है हमारा एफ एस एच और एल एच कम हो चुका है सो देर इज अ डिक्रीज इन द एफ एस एच और देर इज अ डिक्रीज इन एल एच एज वेल एज जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन दोनों का ही लेवल क्या हो चुका है डिक्रीज हो चुका है सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज हो चुका है और एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो गया सो ड्यू टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो गया है इस वजह से क्या होगा यहां पर इसके लेवल डिक्रीज होने से देयर इज़ अ सीक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ओके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं व्हाट दे आर डूइंग दे आर कॉजिंग कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स तो ये यहाँ पर क्या करेंगे इन ये जो स्पायरली कॉइल्ड आर्टरीज हैं इस इसमें क्या करेंगे ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे जब स्पायरली कॉइल्ड आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जब अब यहाँ पर अगर कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ ये वाला जो एरिया पोर्शन है इस पोर्शन में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी देर इज अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ओ टू ओ टू की सप्लाई क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब ये वाला जोन कैसा हो जाएगा इश्केमिक जोन हो जाएगा इश्केमिक जोन हो जाएगा कैसा जोन हो जाएगा दिस जोन इज इश्केमिक जोन इसकेमिक जोन का मतलब आप समझते हैं इश्केमिक जोन का मतलब ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एरिया मतलब इस एरिया की सेल्स को क्या नहीं मिल रही है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. अब अगर इस एरिया की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इस एरिया की सेल्स क्या हो जाएंगे डैमेज होने लग जाएंगी ओके okay. तो यहाँ जब प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट हो रहा है और इसकी वजह से कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो इस एरिया की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी डैमेज हो जाएंगी और वो उनपे क्या हो जाएगा स्लॉट ऑफ हो जाएगा मतलब कि वो यहाँ से स्लॉट ऑफ का मतलब हो गया एक तरह से उनको हटा देना क्लियर तो किस तरह से वो हट जाएंगे यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला पूरा पोर्शन इस तरह से डैमेज हो जाएगा और ये डैमेज हो के ये वाला पोर्शन कैसे आ जाएगा अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए सो तो ये स्लॉट ऑफ हो गई तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा इस तरह से ये आर्टरीज जो हैं आपकी इस एरिया में आ जाएंगी ये आर्टरीज इस तरह से आ गई तो इनसे क्या रिलीज होगा इससे ब्लड रिलीज होगा ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्लड आ जाएगा साथ में कुछ प्रोलीफरेटेड सेल्स भी आ रही हैं ओके ये प्रोलीफरेटेड सेल्स मैंने आप लोगों को बताई थी तो यहाँ पर इस तरह से प्रोलीफरेटेड सेल्स आ गई इसमें साथ ही अनफर्टिलाइज ओवम आ जाएगा इसमें अनफर्टिलाइज ओवम आ जाएगा क्योंकि फ, ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो अनफर्टिलाइज ओवम यहाँ रहेगा साथ साथ में टिश्यू फ्लूड रहेगा सो so, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टिश्यू फ्लूड रहेगा क्लियर एवरी वन एज वेल एज यहाँ पर जो कुछ सेल्स रहेंगे यूटेराइन जो सेल्स होती हैं यूटेराइन ग्लैंड्स होती हैं वो सेल्स भी क्या सीक्रेट करती हैं दे ऑल्सो सीक्रेट म्यूकस दे ऑल्सो सीक्रेट म्यूकस क्लियर तो अल्टीमेटली जो वेजाइनल फ्लूड होगा उस वेजाइनल फ्लूड में क्या क्या चीज़ें होंगी देख लीजिए वो क्या क्या चीज़ें हैं द फर्स्ट वन इज ब्लड मिल रहा है सेकेंड क्या मिल रहा है अनफर्टिलाइज ओवम मिल रहा है थर्ड क्या मिल रहा है म्यूकस हो रहा है उसमें म्यूकस हमें मिल रहा है प्लस हमें क्या मिल रहा है प्रोलीफरेटेड सेल एंड नेक्स्ट इज वॉट टिश्यू तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमें वेजाइनल जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं वी आर वॉट वी आर गेटिंग ब्लड अनफर्टिलाइज ओवम म्यूकस प्रोलीफरेटेड सेल्स एंड टिश्यू फ्लू

प्री ओविलेट्री फेज में क्या होगा सो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में हमारे पास में कौन कौन सी फेजेस है प्री ओविलेट्री फेज एंड ओविलेट्री फेज सो अब देखिए यहां पर ये पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या हो रहा है दोबारा से नाउ देयर इज अगेन सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ेगा एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ेगा साथ ही साथ में और किसका सीक्रेशन बढ़ेगा देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ एफएसएच मैंने आप लोगों को बताइए कि एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ने से क्या होता है एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ता है और अगर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा देयर इज ए री जनरेशन देयर इज ए री जनरेशन ऑफ द सेल देयर इज ए री ऑफ सेल्स कौन सी सेल्स का जनरेशन होगा यहां पर जो हमारे पास में स्टेटम फंक्शनलिस है स्टेटम फंक्शनलिस का दोबारा से क्या होगा री होगा क्लियर एवरीवन तो स्टेटम फंक्शनलिस दोबारा से बनेगी स्टेटम फंक्शन नल्स दोबारा से होगा ओके okay. और दोबारा से क्या बनेंगे हमारे पास में स्ट्रेट और स्पायरली कॉइल्ड आर्टरीज़ बनेंगी, सो स्पायरली कॉइल्ड आर्टरीज दोबारा से बन रही हैं ओके okay. तो यहाँ पर मैं आप देखिए आपको दोबारा से स्ट्रेट और स्पायरली कॉइल्ड आर्टरीज़ यहाँ दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगी बट ये स्पायरली कॉइल्ड आर्टरी कंप्लीट नहीं बनेगी थोड़ा सा ही इनमें डेवलपमेंट होगा ओके okay. सो फुली डेवलपमेंट नहीं होता है इसीलिए इस फेज को अभी हम क्या बोल रहे हैं प्रोलीफरेटिव फेज भी बोलते हैं इस फेज को हम क्या बोलते हैं प्रोलीफरेटिव फेज भी बनता है अब देखिए यहां पर एनजियोजेने angiogenes... यहां पर क्या हो रही ब्लड वेसल्स बन रही तो ब्लड वेसल्स के बनने को हम क्या बोलते हैं एनजियोजेनेसिस बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एनजियोजेनेसिस दिस इज ऑल्सो नॉन एज ए एनजियोजेनेसिस नाउ यहाँ पर आप देखिए एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया ये इसने स्पायरली कॉयल यहाँ पर एस्ट्रोजन की वजह से क्या होने लग गया प्रोलीफरेशन हो गया मतलब कि रीजनरेशन होने लग गया साथ ही साथ में एस्ट्रोजन और क्या करेगा इट ऑल्सो प्रोड्यूस यूटेराइन ग्लैंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस यूटेराइन ग्लैंड ये यूटेराइन ग्लैंड क्या करेंगे यहां पर आप देखिए ये यूटेराइन ग्लैंड इस तरह से यहां पर इस तरह से ये यूटेराइन ग्लैंड इस तरह से बनने लग जाएंगे ओके सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूटेराइन ग्लैंड दीज आर वॉट यूटेराइन ग्लैंड एंड यूटेराइन ग्लैंड क्या करती दे रिलीज थिन म्यूकस दे रिलीज वॉट थिन म्यूकस यहां पर ये क्या रिलीज कर रही है थिन म्यूकस रिलीज कर रही क्लियर थिन तो म्यूकस क्या करता है बेसिकली जो थिन म्यूकस है पर्टिकुलरली यहां पर आप देखिए मैं यहां आपको बना के बताता हूं तो यहां पर आप देख लीजिए ये थिन म्यूकस बन जाएगा ओके okay. अब ये थिन म्यूकस क्या काम आता है पर्टिकुलरली ये सर्वाइकल म्यूकस कहलाता है ओके okay. और ये सर्वाइकल म्यूकस थिन म्यूकस का क्या काम है इट कॉस कैपेटिशन ऑफ द इट कॉस कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ये स्पर्म का क्या करता है कैपेसिटेशन करता है ये हमारा स्पर्म हो गया और स्पर्म का कैपेसिटेशन करता है मतलब कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो कहां तक पहुंच जाए ओवम तक पहुंच जाए और ओवम को फर्टिलाइज कर दे क्लियर एवरीवन यहां पर प्री प्रीओव्यूलेटरी फेज में ही आप देखिए क्या हो जाएगा जो हमारा प्राइमोडियल फोलिकल से वो ग्राफियन फोलिकल तक कन्वर्ट हो जाएंगे ओके okay. अब उसके बाद में क्या होगा देयर इज़ ए एल एच सर्ज उसके बाद में क्या हो रहा है एल एच सर्ज हो रहा है तो एल एच सर्ज कब होगा ओव्यूलेटरी फेज में तो एल एच का रिलीज हो रहा है और एल एच के रिलीज होने से एल एच के रिलीज होने से क्या होगा ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और यहाँ पर जो है ओवुलेशन होगा मतलब कि यहाँ पर जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो रिलीज हो जाएगी और अगर ये सेकेंडरी उइट बाहर निकल जाएगी तो जो फॉलिकल बचेगा उस फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है इट इट कॉज रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन तो सर से और क्या हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज इंक्रीज हो रही है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज क्यों बढ़ गया क्योंकि देयर इज ए ओवुलेशन तो यहाँ पर क्या हो चुका है ओवुलेशन हो चुका है द फर्स्ट वन इज ओवलेशन हो चुका है एंड द सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम कार्पस लूटियम फॉर्म हो चुकी है बेसिकली वो देखिए आप सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है सिक्रेटरी फेज में देर इज ए इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टर की क्या हो रही है रिलीज बढ़ रही है तो ये क्या कर रहा है पर्टिकुलरली इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ यूटेराइन ग्लैंड यूटेराइन ग्लैंड के सीक्रीशन जो है वो बढ़ जाएंगे मतलब कि म्यूकस जो है वो बढ़ जाएगा और म्यूकस कैसा होगा थिक होगा इसका म्यूकस कैसा होगा देयर इज अ थिक म्यूकस क्लियर एवरी वन तो थिक म्यूकस ये प्रोड्यूस करे और थिक म्यूकस जो होगा वो क्या कर लेगा अब जो थिक म्यूकस यहाँ पर हो रहा है तो ये हमारा पर्टिकुलरली क्या हो गया सर्विक्स एरिया आ जाएगा यहाँ पर दिस पोर्शन ओके इस पोर्शन पे यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा सर्विक्स एरिया आ जाएगा तो अब जब थिक म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है तो थिक म्यूकस क्या करेगा यहाँ पर प्लग बना लेगा क्लियर तो पहले क्या हो रहा था थिन म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था अब सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है थिक म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है तो थिक म्यूकस क्या कर लेगा इस यहाँ पर स्ट्रांग प्लग बना लेगा अब ये स्ट्रॉन्ग प्लग क्या करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो दोबारा से फर्दर अगर कोई स्पर्म आता है तो फिर उसको एंट्री नहीं होने देगा थिक म्यूकस बनने का ये फायदा है एज वेल एज यहाँ पर क्या हो रही है एंजियोजेनेसिस और होगा जो हमारी कॉइल्ड आर्टरी है दे बिकम बिगर आर्टरीज बिकम बिगर अगेन हमारे पास में क्या होगा ये लास्ट के टेन डेज में चलता रहेगा मतलब कि एटीन टू ट्वेंटी एट डेज अगर किसी वुमेन का साइकिल आइडियल है उस केस में क्या होगा अब वापस से क्या हो गया आर्टरीज काफी सारी फुली फंक्शनली आर्टरीज हो गई है. यहां पर आर्टरीज जो है वो कैसी हो गई हैं फुली फंक्शनल हो गई हैं क्लियर तो अगर ये आर्टरीज फुली फंक्शनल हो गई हैं तो अब अगर इस केस में इस पर्टिकुलर केस में यहां पर ओवुलेशन हो चुका है और अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो स्पर्म है स्पर्म फर्टिलाइज ओवम को फर्टिलाइज करके यहां पर क्या हो जाएगा इम्प्लांटेशन हो जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन अगेन नेक्स्ट जो है मैंस्ट्रोल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा दोबारा से क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टरॉन का सीक्रेशन डाउन हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा क्लियर और यहाँ पर एफ एस एच एल एच दोनों के सिक्रेशन कम हो जाएंगे तो यहां पर अगेन हम किस कंडीशन में पहुंच गए वापस मैंसुरल फेज में पहुंच गए एफ एस एस एल एच का सिक्रेशन कम हो गया प्रोजेस्टर का सिक्रेशन कम हो गया एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो गया और नया वुमेन का नया साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो गया क्लियर एवरी वन तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को तीनों फेज बताए एक बार मैं आपको क्विक रिविजन करवा देता हूँ मैं फेज में क्या है थ्री फेजेज हैं मैंस्ट्रोअल फेज में क्या हो रहा है एफ एस एस एल एच कम हो गया प्रोजेस्ट्रोन कम हो गया एस्ट्रोजन कम हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ गया प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन से कॉन्स्ट्रक्शन हो गया और ऑक्सीजन डिप्राइड हो गया ऑक्सीजन डिप्राइड हो गया तो यहाँ पर स्लॉट ऑफ हो गया मतलब कि सीजर कैसी की तरह सेल्स को काट दिया गया ओके okay? क्लियर और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो वहां पर उसमें ब्लीडिंग में क्या क्या चीजें हैं मैंस्ट्रोअल मेन्स जो है Menstrual, फ्लूड में क्या क्या है ब्लड है अनफर्टिलाइज हुआ में म्यूकस है प्रोलीफरेटेटेड सेल्स हैं और टिश्यू फ्लूड्स हैं देन जो हमारा सेकेंड फेज था पोस्ट मैंसुरुअल फेज उसमें क्या हो रहा है रीओविलिट्री एंड ओवलिट्री फेज है तो फर्स्ट फेज में एफ का सीक्रेशन बढ़ रहा है सेकेंड में ओविलिट्री में एल एस बढ़ रहा है और यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है तो रीजनरेशन ऑफ वेसल्स हो रहा है उसको एंजियोजेनेसिस बोल रहे हैं और यूट्रेन ग्लैंड सीक्रेट कर रही है थिन म्यूकस और जो थिन म्यूकस है वो स्पर्म का कैपिटेशन करता है देन द थर्ड फेज इज सीक्रेटरी फेज जो लास्ट टेन डेज में होता है और इस फेज में प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से यूट्रेन ग्लैंड जो है म्यूकस सीक्रेट कर रही है वो कैसा है थिक है और एंजियोजेनेसिस हो रहा है और वो बिगर हो रहा है ट्रीज बिकम बिगर तो इस तरह से साइकिल की सारी फेजेस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी यहाँ पर मैंने आप लोगों से साइकिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें